हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वेनसडे का व्लॉग है, तो मॉर्निंग का टाइम है। तो अनायशा सो के उठ चुकी है, और जैसे ही मैं उठ जाती हूँ वैसे ही अनायशा उठ जाती है। तो हस्बैंड शाम को नहीं आए थे तो इसलिए हम लोग लेट उठे थे। तो अनायशा को मुझे अपने साथ ही बिठाना पड़ा काउंटर टॉप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुई हुई थी। क्योंकि बच्चों का उम्र का कोई पता नहीं होता, कभी क्या अच्छा होता है कभी क्रैंकी हो जाते हैं। तो जो मैं काम कर रही थी दाल छाँटने का, वही अनायशा को करना था, तो इसीलिए ज़िद कर रही थी। तो मुझे भी इसको अपने साथ बिठाना पड़ा। तो बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो क्लीनिंग कर रही हूँ तो उसको अनायशा को भी क्लीनिंग करनी होती है। अगर कुछ कुकिंग का काम कर रही हूँ तो अनायशा को भी वही करना होता है। तो बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ दाल चना और उड़द की दाल लगाई है मैंने, और उसको मैं गैस पर चढ़ा के बाकी और काम करूँगी। और अनायशा को दूध भी नहीं दिया था मैंने, तो मैं अनायशा को दूध दे के फिर अपना बाकी काम करूँगी। तो मैं थोड़े से कपड़े वॉश करे थे तो मैं उसको पहले फोल्ड करी हूँ। और आज मैंने डाटू लगाया है अपना पहाड़ी कल्चर, क्योंकि मैंने बाल वॉश नहीं करने थे तो इसीलिए धूल लग जाती है बालों में, तो मैंने इसीलिए डाटू लगा दिया। और मैं इसको बैठ ठीक कर दूँगी। तो उसके बाद सारा काम करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, और अनायशा के पास मैंने कुछ बुक्स वगैरह दे दी थी पढ़ने को या ड्राइंग करने को, तब वो थोड़ी रह चुकी थी। और तब तक मैं अपना काम भी कर रही हूँ खाना बनाने का। और जिस दिन हस्बैंड नहीं आते तो उस दिन हम लोगों को सुबह उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, क्योंकि फ्री माइंड होता है कि हम लोग ने नहीं उठना सुबह, कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि जिसने जल्दी जाना है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं। तो यहाँ पे साथ में मैं बात भी कर रही हूँ फ़ोन पे, मेरे घर से फ़ोन आया हुआ था, और साथ में खाना भी बन रहा है। और चावल भी डाल दिए मैंने भिगोने को, और चावल तब तक भी भीग जाएंगे जब तक मेरी दाल पके, दाल में मैं तड़का लगाऊंगी। उसके बाद में जब प्रेशर खाली हो जाएगा तो उसका मैं इसमें चावल लगा दूँगी। तो अनायशा का मन था कि उसने चावल खाने थे, तभी मैंने दाल लगाई आज। और जो मसाला बॉक्स था वो खाली हो चुका था, इसलिए मैं उसको भी फिल कर रही हूँ। और मैंने तड़का लगा दिया है, साथ साथ में मेरे फ़ोन में बात भी हो रही थी। तो खाना बनाते हुए फ़ोन में बात हो रही थी, पता टाइम का पता भी नहीं चल रहा था। व्लॉगिंग भी हो रही थी, तीनों काम साथ हो रहे थे। मेरा तड़का लग चुका है, और उसमें थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला, इसीलिए इसका कलर, मसाले कलर इस तरह से, और उसका कलर दाल में कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च से। तो मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और उसके बाद हाँ मेरी दाल बन जाएगी, दाल डाल दूंगी और फिर मैं अपना खाना। हेलो, कैसा बना है खाना? अच्छा। सच बोलो। अच्छा। इधर देख के बोलो। तो गाइस हमारी प्लेट लग चुकी है, अनायशा चावल खा रही है, मैं चपाती और चावल खा रही हूँ। अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, फिर बाकी काम। तो मैं सुबह के बाद अब शूट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत काम था मैंने वो करा, मेरा ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तो कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे, कल मैंने आपका वीडियो शेयर करी थी, कल मैंने वूलन के कपड़े वगैरह रख दिए थे, बेडशीट वगैरह ब्लैंकेट सब कुछ रख दिया था। पर आज ठंड हो गई फिर से, पता नहीं क्या मौसम है ऐसा। तो मैंने कवर तो नहीं निकाली, पर कपड़े वगैरह मुझे वॉर्मल वगैरह फिर से पहनने पड़े, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई थी। तो बाहर से जैकेट वगैरह पहनना पड़ा जब हम लोग वॉक करने जाते हैं शाम को। पर इस मौसम का भी कोई पता नहीं, कभी क्या हो जाता है कभी क्या हो जाता है। तो कल परसों दो तीन दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ काम कर लेती हूँ, जो वूलन के कपड़े और ये बेडशीट वगैरह है वो रख देती हूँ और समर के निकाल देती हूँ। तो मैंने दो दिन ये काम करा और इतनी ज़्यादा थकान हुई उस काम करने को, तो जो मेरी मेहनत थी वो बेकार ना जाए, ये सोचूँ बार मौसम अगर तो अगर सुबह शाम ठंड होगी तो मुझे ये कपड़े फिर से वापस निकालने पड़ेंगे वूलन के, तो फिर उसमें फिर और सर दर्द हो जाएंगी। उसको निकालो, फिर बॉक्स में डाल दिए मैंने वो दीवान बॉक्स में, और अलमीरा में मैंने संभाल के रख दिए थे, और मैंने अच्छे से बिल्कुल सेट कर दी थी अलमीरा और बॉक्स। मैं सोच रही मेरी मेहनत पर पानी ना फिर जाए कहीं। तो अभी तो ठीक है, पर शाम को इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ रहा है। और बारिश तो थोड़ी बूंदे बारिश की आई भी थी, पर जो उसकी बारिश नहीं आई, और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी हो गई इससे बारिश नहीं हो रही। तो अभी तो हम लोग इस पे सोते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ा होता है, पर कवर थी इसमें बाहर से वो मैंने धो ली थी। अगर ठंड लगेगी तो फिर से लगानी पड़ेंगी। तो मैंने भी थोड़ी जल्दी कर दी सब करने में, पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब तो 1 मार्च हो चुका है तो अब तो गर्मी हो गई है। ये कौन है पीपी करके? पापा आ गए।
तो अभी टाइम हुआ है 4:30 और पति देव आ चुके हैं, हॉर्न मार दिया है और इतने जोर जोर से सबवूफर बज रही है गाड़ी में, वो स्पीकर बज रहे हैं तो ढूम ढूम से आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आज कल इसके पापा आए नहीं थे शादी को, अनाशा की खुशी की, अनाशा कब से वेट कर रही है पापा का, कब से वेट कर रही है। आप पापा का फोन फोन आ गया था हस्बैंड का कि बाहर आ चुके हैं, वो मंडी गए थे, सब्जी मंडी गए थे लेने, तो सब्जियाँ लाए हैं। आज इतनी ठंडी हवा चल रही है तो उसके लिए बुला रहे हैं नीचे सामान के लिए। आप यहीं पर रहो नशा, ऊपर नीचे नहीं आ पाओगे आप, हमारे पास सामान होगा, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो नीचे जाती हूँ सब्जी लेके आती हूँ। लॉक है गेट, इतनी सब्जी के लिए 10 लोग आने हैं। मैं डाल दी ना मैंने यहाँ, मुझे लगा कि इसी सब्जी के लिए तो 2-3 लोगों को और बुलाता, तीन लोग बड़ा बैग में डाल दिया है। विशु कौन आया, कौन है, पता नहीं कौन आ रहा है, कौन है, कौन है, पता नहीं कौन है, कब से वेट हो रहा था, सुबह से लेकर वेट हो रहा था, रो रही थी सुबह तो, मेरे पापा कब आएंगे। तो आज मैंने आलू भी लिए, यहाँ पे आलू भी लिए, धड़ी ली आलू आलू की, और अभी पता नहीं क्या लाए होंगे वो देखती हूँ। तो चलिए अभी थोड़ा चाय चाय नाश्ता सॉरी चाय और कुछ स्नैक्स खाते और उसके बाद फिर वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आज ये सब कुछ आया है मंडी से, सब्जी और फ्रूट्स, और ये तो मैंने लिया था आलू और दूध वगैरह सब आ चुका है। अब मैं इसको लगाती हूँ जगह, मतलब वॉश वगैरह करती हूँ। तो जी सब्जी आई थी मंडी से जैसे मैंने आपको बताया, तो पहले मैं इसको वॉश कर रही थी पर भूख लग गई थी क्योंकि हमने लंच नहीं करा था, तो हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे तो हमने सोचा कुछ बनाते हैं खाने का। तो मैंने आटा है बच्चा हुआ तो मैंने सोचा मैं सिंपल रोटी बनाती हूँ और घी और नमक डाल के, हमारी लैंग्वेज में नमकीन चपाती बोलते हैं उसको, वो बनाती हूँ। तो मैंने इस तरह से हम लोग परांठे बनाते हैं उस तरह से ही करना है इसको, और अंदर घी और नमक डालना है बस इस तरह से इसको बंद कर देना है और नॉर्मल चपाती की तरह, और घी लगाना है उस तरह से ही बनानी है। और साथ में चाय बन रही थी और मेरा मन कर रहा था कि मैंने ये चपाती खानी, तो मैंने सोचा कि सबके लिए बना लेती हूँ। तो बहुत अच्छी लगती है ये खाने में चाय के साथ या दूध के साथ, जिसके साथ भी आप खाना चाहो। तो मैं चपाती बना दूँगी और उसके बाद मैंने जो सब्जियाँ लाई थी वो वॉश करनी थी, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में लगाना होता है, मैं वॉश करके लगाती हूँ सब्जी फ्रिज में। तो मेरी अपनी भी, अब मैंने अपने लिए भी चाय ही थोड़ी सी करी थी, मुझे अच्छी नहीं लगती चाय पर थोड़ी सी मैंने इसके साथ पी ली थी। तो तब और मैंने उसके बाद हम लोग घूमने चले गए थे, और घूमने के बाद फिर मैंने जाके वॉश करी सब्जी क्योंकि अनायशा का घूमने का टाइम हो गया था, तो उसको मैं घुमाने ले गई थी और उसके बाद मैंने वॉश करी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगेगी तो मुझे कमेंट करके बताना, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके मत जाना जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रही है। तो मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। And comment.